अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और हमारा जो टॉपिक है आज वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत ही अहम टॉपिक होता है इसका। और सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं? इट इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल इंट्रोड्यूसेस हिज ओन कैपिटल, ठीक है जी, यूजेस हिज ओन स्किल्स एंड इंटेलिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स एंड इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है कि ये बंदा जो कारोबार होता है, ये अकेला कारोबार कर रहा होता है, इसके इस कारोबार के अंदर जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसका ये जिम्मेदार खुद होता है, ठीक है जी। खुद कारोबार अकेला शुरू करता है, अकेला मैनेज करता है, अकेले फैसले करता है, जो भी रिजल्ट होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसका जिम्मेदार भी अकेला ही होता है। He may run the business alone or obtain assistance of employees. It is the easiest to form and also the simplest in organization. ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, सबसे आसानी आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है और इसको उसी हिसाब से खत्म भी किया जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है। सबसे आसान जो होता है, सबसे आसान तरीका जो होता है कारोबार करने का, वो यही कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा, द सोल प्रोप्राइटर मे बोरो और यूज अदर पीपल्स मनी इन डूइंग हिज बिजनेस। अब इसमें क्या हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर चाहे तो इसमें मनी अपनी इस्तेमाल कर सकता है, दूसरों से उधार लेकर भी इस्तेमाल कर सकता है, जो उसको वो वापस देनी होगी। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस, सब्जेक्ट ओनली टू जनरल लॉज ऑफ the land and to such special legislation or may affect his business, particular business. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि भाई उसके business पे भी ये तमाम चीजें affect कर सकती हैं। अच्छा जी, तो sole proprietor may borrow or use other people's money. हो सकता है उधार ले, किसी और का पैसा इस्तेमाल करे, ये possible है। लेकिन sole proprietor की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये supreme judge होता है, ठीक है जी। इसने खुद ही फैसला करना होता है कि भाई मैंने क्या कारोबार करना है, कैसे कारोबार करना है, किस तरह से प्रॉफिट होगा, किस जगह पर करना है, सारे फैसले ये खुद ही कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस जाहिर है कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, इजी टू स्टार्ट मतलब क्या है कि बड़ी आसानी से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, कोई कानूनी रुकावट बीच में नहीं होती, ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए होता। मिसाल के तौर पर भाई, एक आपने लिया, दो टॉफी के डब्बे लिए और आप किसी बस में चढ़ गए और आपने आवाज लगाना शुरू कर दी 5 रुपए की 3, मिसाल के तौर पर। तो दिस इज व्हाट आर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसी तरह एक परचून की दुकान आपने खोल ली है, फ्रेंच फ्राइज के ठीक है कितने आप देखते हैं, पंचर की दुकान देखते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे मेडिकल स्टोर होता है, दूध की दुकान होती है, बेकरी होती है, ये सारी चीजें अमूमन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं। एंड दिस इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये सबसे आसान तरीका होता है कारोबार शुरू करने का सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है जी। जिस तरह से इसको शुरू करना आसान होता है, इसको खत्म करना भी उसी हिसाब से आसान होता है। जिस तरह इसको शुरू करना आसान है, खत्म करना भी आसान है जी। आपने दुकान का शटर गिरा दिया, कारोबार क्या हो गया, कारोबार खत्म हो गया। यानी कि ना ही आपको शुरू करने में किसी की परमिशन लेनी थी और ना ही आपको इसको बंद करने के लिए किसी की परमिशन लेनी होती है, ठीक है जी। अच्छा, इजी टू डिसॉल्व भी आपने सुन लिया, तो यानी कि इसको शुरू करना भी आसान, किसी से परमिशन नहीं लेनी है, बस आपने पैसा लगाकर कारोबार को शुरू कर देना है। और इसको खत्म करना भी आसान है कि आपको ना ही खत्म करने में किसी से परमिशन लेनी है, बस सारे फैसले क्योंकि आपने खुद ही करने हैं, तो वट एवर यू मेक डिसीजन, कोई भी फैसला आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्शन। इंसान बुनियादी तौर पर आजादी पसंद होता है, हमेशा इंसान ये चाहता है कि वो जो भी फैसला उसको करना है वो खुद फैसला करे, ठीक है ना। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, आजादी के मैं फैसला करूंगा, मेरी मर्जी चलेगी, कहाँ व्हाटसोएवर, ठीक है ना। हर मामले में मर्जी उसी की चल रही होती, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्शन समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब है फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप पर, पूरा का पूरा जो कारोबार हो रहा होता है वो अपने हिसाब से हो रहा होता है, अपनी मर्जी से हो रहा होता है, किसी किस्म की दूसरे बंदे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती।
ओनर्स ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट का मालिक कौन होता है जी? ये होता है, ठीक है ना। ये फायदा है इसका कि अब आप मिसाल के तौर पर आप पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया, आपको ये लगे कि मेहनत आपने ज्यादा की लेकिन जो उसका फायदा उठा रहा है वो कोई दूसरा ज्यादा फायदा उठा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बहुत बुरी लग सकती है, ठीक है जी। तो ये इसकी इसका बेनिफिट है कि ओनर्स ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट का मालिक ये खुद ही होता है। लो टैक्सेस, तो टैक्सेस का जो सिलसिला है ये टैक्सेस इसमें कम होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्सेस कम होते हैं क्योंकि इनकम भी कम होती है, तो इनकम के ऊपर टैक्सेस भी डेफिनेटली कम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को हम कंपेयर करें जॉइंट स्टॉक कंपनी से, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपेयर करें जॉइंट स्टॉक कंपनी से, तो उसमें हमें नजर आता है कि ज्यादा उसमें मसले होते हैं और उसमें टैक्सेशन भी डबल होती है, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल टैक्सेशन इसमें होती है। इसके बाद है लो टैक्सेस, टैक्सेस की तादाद क्या है जी, कम है, लो टैक्सेस होते हैं इसमें, कम से कम टैक्सेस इसमें आपको पे करने होते हैं। बिजनेस सिक्रेसी, अब राज क्या होता है, राज वो चीज होती है जो किसी एक बंदे को पता, अगर वो एक से ज्यादा बंदों को कोई चीज पता चल जाए तो वो राज राज नहीं होता। तो बिजनेस सिक्रेसी, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि अकेला बंदा कारोबार कर रहा होता है तो उस कारोबार के राज राज रह जाते हैं, कोई भी बात अमूमन किसी और से शेयर नहीं होती, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है जी। इसके बाद है बिजनेस सिक्रेसी, अब मिसाल के तौर पर इसकी मैं एक दो एग्जांपल्स दूं कि जैसे गुलाब जामुन बन रही है बहुत सारी जगहों पर, बहुत मशहूर है, निहारी जावेद और जाहिद और मुमताज और दहली सोहेल, मतलब एक ब्रांड्स हैं ये हाली मजेदार का, तो ये तमाम चीजें जो मशहूर हैं बहुत ज्यादा कराची के अंदर, तो उसकी वजह उनका एक फॉर्मूला है बनाने का, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, तो ये अमूमन वहां के अलावा कहीं पर आपको वैसा ही टेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है जी। व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उसको मेंटेन किया होता है ना, और वो उनके जो फार्मूलाज होते हैं, तरीका होता है उनके बनाने का, वो उसको भी राज रखते हैं, वो किसी और से वो शेयर नहीं करते, ठीक है। तो बिजनेस सिक्रेसी, अगर सारी बातें राज जो है वो राज ही रहेंगे, किसी और को पता नहीं चलेंगी, ये भी इसका फायदा है। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कम लागत में ऑर्गेनाइजेशन चलना शुरू हो जाती है, आप किसी के नौकर भी नहीं होते हैं, कोई आप पर हुक्मरानी करने वाला भी नहीं होता है, तो ये इसका फायदा है। लेकिन देखें जहां बहुत सारे फायदे होते हैं, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस आल्सो देयर, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस किस्म का कारोबार किया जाता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलाया जाने वाला बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, ठीक है। नंबर वन, लिमिटेड फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप का। व्हाट? लिमिटेड फाइनेंस। अभी मैं आपको समझाता हूँ, समंदर में आपने सुना होगा कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, समंदर में हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सुना है ना। तो बिजनेसमैन ने, बिजनेस भी समंदर एक ओशन जिसके अंदर ऐसा ही होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर आपने एक छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू किया लेकिन वो अगर का वो कारोबार बहुत ज्यादा फल फूल जाता है, फैल जाता है, तो व्हाट विल हैपन कि कोई ना कोई दूसरी तरफ से आएगा और उस कारोबार पर बेटा कब्जा कर लेगा। समवन विल कम फ्रॉम एनीवेयर एंड ही विल कैप्चर द बिजनेस, क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा होगा, जब उसके पास पैसा ज्यादा होगा तो उसके पास पावर भी ज्यादा होगी, और उसको पावर का इस्तेमाल करेगा और आपके पूरे कारोबार पर वो कब्जा कर लेगा। ऐसी दसियों मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, एक वॉशिंग पाउडर आता है जिसका नाम है बोनस। बोनस एक लो कॉस्ट वॉशिंग पाउडर है, उसमें कम पैसों में बहुत ज्यादा सरफ की क्वांटिटी मिलती है, लेकिन जाहिर है क्योंकि वो कम पैसों में वो काफी ज्यादा वॉशिंग पाउडर देते हैं, तो वो उस लेवल का सर्फ नहीं होता जैसा कि सर्फ एक्सेल होता। फर्क होता चाहे सस्ता है तो, लेकिन बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस चला कैसे और ये बोनस मार्केट में आया कैसे। बेसिकली बोनस का वजूद नहीं था तो बहुत सारे वॉशिंग पाउडर इसी तरीके से ट्राई स्टार के नाम से
इसी किस्म की पैकिंग में एक लोकल कंपनी बनाती थी और वो बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गया। जब वो बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गया तो जो बड़े ब्रांड्स थे वॉशिंग पाउडर के, उनको हिट हुआ कि अच्छी क्वालिटी वो मेंटेन कर रहा था। तो फिर कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान ने बोनस के नाम से एक नया वॉशिंग पाउडर, एक लो कॉस्ट वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया। तो जब ये लॉन्च किया तो उन्होंने बोनस इसमें ऐड कर दिया ट्राई स्टार के साथ। और फिर क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होने लगा, फैलना शुरू होता गया होता गया होता गया। और उन्होंने फिर एडवर्टाइजमेंट भी दिया। उसके बावजूद ये लोकल जो वॉशिंग पाउडर्स बिक रहे थे मार्केट में, ये उसको कम्पीट नहीं कर सके। उसके बावजूद उनकी सेल ज्यादा थी, मतलब हर इलाके में अलग अलग बंदा था जो वो वॉशिंग पाउडर बेच रहा था। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कराची में अलग, मलीर में अलग, कोरंगी में अलग, नासाबाद हैदी एरिया में अलग, मतलब हर जगह का अलग अलग वो सोलपुर पैटर्न था, अलग अलग था। अब इन्होंने देखा कि यार हम इतनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारा फिर भी नहीं बिक रहा है। अब उन्होंने अनएथिकल अप्रोच उन्होंने अपनाना शुरू है। उन्होंने ये किया कि मार्केट से रॉ मटेरियल गायब कर दिया, क्योंकि उनके पास तो पैसा है। तो वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे एक कपड़े धोने का सोडा आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, शाइन एक लिक्विड आता है, ब्लीच आता है, ये तमाम चीजें वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इन्होंने क्या करा, ये सारी चीजें मार्केट से नील वगैरह सब गायब कर दिया। मेन मेन चीजें जब गायब हो गई तो वो बोरी उस वक्त जमाने में 40 किलो की 400 रुपए की थी, यानी कि 10 रुपए किलो वो पड़ता था, 10 रुपए किलो पड़ता था, और तकरीबन 15 रुपए पाव बिकता था। अब अंदाजा लगा लें, 15 चौके 60, तो 60 रुपीज का पर केजी वो बिकता था, जबकि वो 10 रुपीज पड़ता था। तो बहुत ज्यादा इसमें सर्फ एक्स वगैरह में बड़ी बचत होती है। खैर अब हुआ कि उन्होंने रॉ मटेरियल गायब करा। जब आप जानते हैं मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था कि जब चीज कोई शॉर्ट हो जाए, जब कोई चीज मार्केट से शॉर्ट हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही हुआ, जब वो मार्केट से शॉर्ट हो गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है जी, वैल्यू क्या हुई उसकी, बढ़ गई। अब 400 रुपए वाली बोरी 800 की हो गई, और 800 के बाद 1600 की, और 1600 के बाद वो 2200 रुपए की हो गई। अब 2200 रुपए की जब वो हो गई तो अब लोगों को प्रॉफिट होना क्या हो गया, तकरीबन बंद हो गया। अब उसको अगर आप चलाएं तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको बेचना पड़ेगा, तब जाकर शायद आपका वो सामान बिके, क्योंकि सामान बेचने में मेहनत भी होगी ना, सामान इधर से उधर लेके जाना वगैरह वगैरह। अब क्या करें भाई, क्योंकि छोटा कारोबार बड़े झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोटा कारोबार क्योंकि बड़े झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यही हुआ, एक एक करके वो छोटे बिजनेसमैन जो थे उनका, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया, और एक बेहतरीन कारोबार जो चल रहा था, बड़ी मछली आकर वो सारे कारोबार को खा गई, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो कारोबार क्या हो गया जी, खत्म। तो लिमिटेड फाइनेंस एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है तो कोई बड़ा बंदा आएगा और आपको कारोबार करने नहीं देगा, आपके कारोबार पर कब्जा कर लेगा। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी स्मॉल बिजनेसमैन टू सर्वाइव इन द मार्केट वेयर द जायंट्स आर अवेलेबल। ये बहुत मुश्किल है छोटे कारोबारी शख्स के लिए बिजनेस को लेकर चलना, जबकि वहां पर बड़े बड़े खापड़ मौजूद हों। द नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट। डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट क्या है जी, यानी कि उसको मैनेज करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इट इज वेरी हार्ड टू मैनेज द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। जाहिर है एक अकेला बंदा जो होता है उसके अंदर तमाम तर क्वालिटीज नहीं पाई जा सकती, एक जो अकेला बंदा होता है उसके अंदर तमाम तर क्वालिटीज पाई नहीं जाती। तो इसमें बताया गया कि भाई मुश्किल होती हैं उसको लेकर चलने में, तो दिस इज कॉल्ड डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट। क्या क्या देखेगा वो, अगर वो बीमार पड़ जाए, देर इज नो सब्स्टिट्यूट उसकी, किसी बीमारी की सूरत में कौन कारोबार को संभालेगा, कोई मौजूद नहीं। ठीक है जी, तो इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और ये कारोबार अपने खात्मे की तरफ सफर शुरू कर देता। अच्छा सिर्फ पागल, भाई पागल हो जाए मसला, बीमार हो जाए मसला, मर जाए मसला, तो पुलिस उठा के ले जाए, किसी और चक्कर में वो फंस जाए, जाति मसलों की आप कुछ हो जाए, तो उसका कारोबार को हिट हो जाता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा तो नेक्स्ट इज लिमिटेड स्पैन ऑफ सुपरविजन। लिमिटेड स्पैन ऑफ सुपरविजन क्या होता है जी, के टाइम कम होता है। अगर वो बंदे रख भी लेता तो वो किस किस को सुपरवाइज करेगा, किस किस के ऊपर वो नजर रखेगा, इट इज नॉट ईजी। ठीक है जी, लेकिन ये आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोगों पर नजर रखना क्योंकि आसान नहीं होता है।
अगेन इसकी वजह से उसका बिजनेस क्या करेगा जी, सरवाइव करेगा, ठीक है, ये इसमें बताया गया। इसके बाद है लिमिटेड स्पैन ऑफ सुपरविजन, के बाद है नेक्स्ट लिमिटेशन ऑन साइज। जब आप अपना अकेला कारोबार कर रहे हैं तो नंबर वन आपके पास जो अमाउंट है वो कम होगा। जब आपके पास अमाउंट कम होगा तो अमाउंट का इम्पैक्ट कहाँ आएगा जी, अमाउंट का इम्पैक्ट आएगा साइज के ऊपर। तो आपका जो बिजनेस का साइज होगा वो भी छोटा हो जाएगा। जब बिजनेस का साइज आपका छोटा होगा तो प्रॉफिट भी तो कम ही होगा ना। जब व्हेन यू आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस देन द प्रॉफिट विल आल्सो बी स्मॉल। भाई छोटा कारोबार छोटा मुनाफा देगा या बड़ा मुनाफा देगा? डेफिनेटली छोटा ही मुनाफा देगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। बहुत कोई तू कोई तुरम खान नहीं बन जाते आप सोल प्रोप्रेटरशिप से, जब तक आप उसको पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरफ ना ले जाए। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि जिम्मेदारियां लामहदूद होती हैं। आपने अगर किसी से कर्ज ले लिया तो आपको किसी भी सूरत में वो कर्ज हर हाल में आपको वो रिटर्न करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यू विल हैव टू रिटर्न द अमाउंट। अब क्योंकि हर हालत में आपको अमाउंट रिटर्न करना होता है तो दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपका घर, आपकी गाड़ी, तमाम चीजें बिक सकती हैं उसकी पेमेंट के लिए। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कारोबार कभी ना कभी बंद होना है, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कभी ना कभी कारोबार क्या होना है जी, बंद होना है। हमेशा के लिए आपका कारोबार सर्वाइव नहीं कर सकता, आज नहीं तो कल उस कारोबार को बंद ही होना होगा। क्यों? क्योंकि बंदा खत्म, कारोबार भी खत्म। नेक्स्ट इज ईज ऑफ, ये नंबर सेवन जो है, नंबर सेवन जो पॉइंट है ये नहीं है, ठीक है, ये इसमें से इसको हटा देते हैं। अच्छा तो ये क्या हो गया जी, ये हमारा हो गया एक सवाल, सोल प्रोप्रेटरशिप की डेफिनेशन, उसके मैरिज और डीमैरिज। अब हम बात शुरू करेंगे पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्रेटरशिप का जो सवाल मैंने जो उसको पढ़ाया है, ये इसकी डिटेल अमीन खालिद की बुक जो मैंने आपको दिलवाई है उसमें इस तमाम हेडिंग्स की डिटेल क्योंकि मौजूद है तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप पहले तो समझ लें कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ एट लीस्ट टू पर्सन। कम से कम पार्टनरशिप उसे कहते हैं जिसके अंदर कम से कम दो बंदों की शमूलियत लाजमी हो, ठीक है जी। बगैर दो बंदों के पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब कम से कम दो लोग होते हैं इसमें और ज्यादा से ज्यादा इसमें 20 लोग होते हैं बेटा। कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा इसमें 30 लोग होते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होगा, सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होगा, देयर विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में एक एग्रीमेंट होगा। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज दिस? एग्रीमेंट टू रन द बिजनेस। एग्रीमेंट कारोबार को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट मस्ट बी टू रन द बिजनेस एंड फॉर द प्रॉफिट ओनली। कम से कम दो लोग, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग, एक एग्रीमेंट होगा। लेकिन एग्रीमेंट किसके लिए होगा? सिर्फ कारोबार चलाने के लिए, और कारोबार चलाने में भी शर्त है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए कारोबार होगा, किसी और मकसद के लिए पार्टनरशिप का कारोबार नहीं हो सकता, सही है। नंबर ऑफ पार्टनर्स आपने सुन लिया, 2 और 20। बिजनेस पर्पस भी आपने सुन लिया, फॉर द प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा भाई? देखें, इंसाफी जो तरीका है, इंसाफ का जो तरीका है वो यही है कि जिसने पैसा ज्यादा लगाया उसका हिस्सा ज्यादा होगा, जिसने पैसा कम लगाया उसका हिस्सा कम होगा, ठीक है। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले का हिस्सा ज्यादा, तो शेयरिंग का प्रॉफिट क्या होगा भाई? शेयरिंग में ये देखा जाएगा किसने लगाया कितने, ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 उसमें क्या है? नंबर 2 ये है कि मेहनत कौन कर रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिर्फ पैसा लगाने से तो आपको प्रॉफिट होना शुरू नहीं हो जाएगा ना, आपको बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स करने होते हैं, मेहनत करनी होती है, इसके बगैर प्रॉफिट नहीं होता। तो ये इसके अंदर बताया गया कि भाई कौन कितनी एफर्ट्स करेगा, कितनी मेहनत करेगा, ये चीज भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इसके बाद है कैपिटल।
कैपिटल किसे कहते हैं जी? सरमाए को कहते हैं, सरमाया कौन कितना लगाएगा, ठीक है जी, कितना टोटल कैपिटल होगा, किसने कितना लगाया है, ये तमाम चीज़ें उसमें एग्रीमेंट में लिखना लाजमी होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में आप एक दूसरे पर ट्रस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर है कि तमाम चीज़ें रिटर्न में हो। अगर तमाम चीज़ें रिटर्न में नहीं होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से कारोबार नहीं कर सकते। अब देखें, म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट कहते हैं एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को, कि अगर आप लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो फिर तो आप कारोबार बेहतर तौर पर कर सकते हैं और उसको कारोबार कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा नहीं है आपस में, तो यू कैन नॉट रन द स्मूथ बिजनेस, फिर आप एक अच्छे से कारोबार नहीं कर सकते, ठीक है जी। अटमोस्ट फेथ होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा, यकीन, एतमाद, ये तमाम चीज़ें अगर आपको एक दूसरे पर हैं तो फिर द पार्टनरशिप में बिजनेस में भी गुड फॉर यू। अगर आपके दरमियान ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो यकीनन ये पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, ठीक है जी, नुकसान भी हो सकता है आपको। बिजनेस इन वाइडर सेंस, अच्छा इसका एक फायदा है, खासियत है, या फायदा कह लें कि बड़ा कारोबार होता है। जाहिर है कि जब नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे तो पैसा भी तो बढ़ता जाएगा कारोबार में। जब कारोबार में पैसा बढ़ेगा तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बड़ा बिजनेस वही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो जल्दी से कोई आपके कारोबार को फिनिश नहीं कर सकता, कोई बड़ा बंदा आकर आपके कारोबार पर को कैप्चर नहीं कर सकता, ये इसका फायदा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन पार्टनरशिप, पार्टनर्स डेथ, अच्छा पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है अमूमन, ठीक है जी, तो ये इसकी इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ इसके अंदर। अच्छा तो मजीद बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर की नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में, लेकिन मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि जैसे ये मैं अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सवाल जो मैंने सोल्व पार्टनरशिप पढ़ा है, इसको भी लिखिएगा, इसको भी याद कीजिएगा, फिर पार्टनरशिप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डेफिनेशन भी लिखिएगा और इसको याद कीजिए। कोई भी मसला हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। आई होप के आप लोग तैयारी करते रहेंगे साथ साथ, अपना बहुत ख्याल भी रखिएगा, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरी फेसबुक आई डी पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल में आप कमेंट कर दें वीडियो पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।